बड़ी खबर, बंगाल चुनावों में अब एक और ऑडियो बम फूटा है जिसके आधार पर बीजेपी ममता बनर्जी और उनकी सरकार पर गंभीर आरोप लगा रही है। दावा यह किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में ममता बनर्जी के भतीजे अभिषेक बनर्जी तक हर महीने 35 करोड़ रुपए पहुंचाने की बात कही गई है। हालांकि आज तक इस वायरल ऑडियो की पुष्टि नहीं करता। सिंडिकेट वाले कमाते हैं और जो पॉलिटिकल बोसेस है उनका अपना अंडरस्टैंडिंग रहता है। ममता बनर्जी एक इतना बड़ा लाइन खींचती है ऊपर जाने, अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा लाइन नीचे खींच देते हैं। बंगाल में तीसरे चरण की वोटिंग से दो दिन पहले एक ऑडियो बम फूटा और सियासी हलचल तेज हो गई। इस वायरल ऑडियो में ममता सरकार और उनके सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी पर गंभीर आरोप लगे हैं। इसमें कथित तौर पर बंगाल में कटमनी और सिंडिकेट रैकेट के खेल की पोल खोली गई है। दावा किया जा रहा है कि ऑडियो टेप में कोयला तस्करी के आरोपी अनूप मांझी के करीबी गणेश बागड़िया नाम के शख्स और एक सरकारी अफसर के बीच बातचीत हो रही है। ऑडियो क्लिप में जो आवाज है उसमें दो शख्स सिंडिकेट के खेल पर बात कर रहे हैं। एक पूछ रहा है, दूसरा समझा रहा है कि सिंडिकेट आखिर होता क्या है और काम कैसे करता है। ये सिंडिकेट क्या है? सिंडिकेट बहुत सुनता हूँ, पेपर वगैरह में पढ़ता हूँ। सिंडिकेट तो बंगाल का एक बेट वर्ड है सर। क्या है ये? एक सिंडिकेट है वहाँ पर जो राजाघाट एरिया न्यू टाउन एरिया में नया कंस्ट्रक्शन हो रहा है, वहाँ सिंडिकेट फॉर्म कर दिया पॉलिटिकली। अच्छा, जिसको भी बालू पत्थर ब्रिक्स मैंने जो भी मटेरियल लेने पड़ेंगे सिंडिकेट के थ्रू लेने पड़ेंगे, तो वही सिंडिकेट फेमस नाम हो गया। उसका फिर कट कहाँ जाता है? जैसे कि जो भी कलेक्शन होती होगी तो कट कहाँ जाता है? लोग क्या करते हैं, जैसे सपोज करिए किसी चीज की रेट 100 रुपए, तो सिंडिकेट वाले लेते 120 रुपए, इन्फीरियर क्वालिटी देते हैं, मेजरमेंट में भूल। तो ऐसे करते हैं, सिंडिकेट वाले कमाते हैं और जो पॉलिटिकल बोसेस है उनका अपना अंडरस्टैंडिंग रहता है। बातचीत में सिंडिकेट का जिक्र आया और फिर सिंडिकेट से जुड़े लोगों की बात होने लगी। इसमें ममता बनर्जी के सांसद भतीजे अभिषेक बनर्जी का नाम सुना गया। आवाज में कटमनी के बंटवारे की बात है। ऑडियो टेप में अभिषेक बनर्जी तक हर महीने कटमनी पहुंचाने का दावा किया जा रहा है। कितना मोटा मोटी कितना वहां तक पहुंच जाता था, उस तक कितना पहुंच जाता था अभिषेक तक? 2 साल 2.5 साल 35 लग रहा है उस तक पहुंच जाता था हर मंथ। बाकी जो जाता वो मिले वो खरीद यानी कि वहां तक डिलीवरी कम से कम 35 तक हो जाता। अशोक मिश्रा आपको उसके पास एग्जैक्ट फिगर वही देता था सर आपके साथ। आज 3 साल से अशोक मिश्रा है। 3-4 साल हो गए। इस आवाज में सांसद अभिषेक बनर्जी के बारे में कुछ और बातें रिकॉर्ड हुई हैं। आरोप ये कि ममता बनर्जी के नाक के नीचे अभिषेक मनमानी करते हैं। वो जो अभिषेक है वो क्रिमिनल माइंड का है। कितना मर्डर वर्डर देख रहे उसी के सर। पब्लिक क्यों नहीं उसके अगेंस्ट? देखिए क्या होता है, उन्होंने सर को बताया कि ममता बनर्जी एक इतना बड़ा लाइन खींचती है ऊपर जाने की, अभिषेक बनर्जी इतना बड़ा लाइन नीचे खींच देता है। बंगाल में चुनाव है और चुनावी गर्मी के बीच ऑडियो टेप का वायरल होना सियासी चिंगारी सुलगा गया। बीजेपी ने तुरंत मोर्चा संभाला और चिंगारी को हवा देने और सियासी माइलेज लेने में जुट गई। इन ऑडियो टेप के जो तथ्य हैं वो बड़े ही चिंताजनक हैं। वो दर्शाते हैं कि आज पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की नाक के नीचे किस तरह से भ्रष्टाचार, कटमनी, सिंडिकेट राज चल रहा है। इन ऑडियो टेप में एक बड़ा खुलासा यह भी हो रहा है कि एक बड़ी ही व्यवस्थित प्रणाली उगाही की वहां पे चल रही है। इस टेप में दो लोगों की आवाज है, चेहरा नहीं है। कट मनी पर बात हो रही है।
अभिषेक बैनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं, पर हम आपको बता दें कि आज तक इस ऑडियो टेप की पुष्टि नहीं करता है। आज तक ब्यूरो।